बहुत ही प्यारे प्यारे से तोतू रखे हुए ये सारे। अच्छा हम यहाँ आ चुके बब्बर शेर के पास, ज्यादा लोग आ चुके थे ना तो वो गुस्से में आ गया और ऐसे ऐसे तेज तेज राउंड लगा रहे लोगों को देख के। हाँ जी बना 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 ये अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे आप सब लोग, आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम लोग जो आए हैं वो कराची के ज़ू में आए हैं और कराची के ज़ू को एक्सप्लोर करने आए हैं, और बच्चों के लिए भी था कि बच्चे आज संडे है तो चलो इन्जॉयमेंट हो जाएगी। और बस यहाँ आ तो गए हैं पर यहाँ का रश और ज़्यादा लोगों को देख के थोड़ा सा मुझे हो रहा था कि मैं क्या करूँगी कैसे करूँगी, क्योंकि यहाँ पर हमारा आना बहुत कम होता है और कम आने की वजह भी यही है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है। पर ऐसी जगहों को बच्चों को भी दिखाना चाहिए और एक्सप्लोर करवाना भी चाहिए। कराची के कुछ ऐसे पार्क वगैरह हैं जहाँ पर एनी टाइम आप नहीं जा सकते, फैमिलीज़ के लिए थोड़ा सा मसला हो जाता है। तो बस हम लोग आज आ गए, काफ़ी टाइम बाद आए हैं, और मैं आप लोगों को दिखाऊँ ना तो यहाँ का व्यू भी बहुत खूबसूरत है। ऐसे ही कह लें जैसे सफारी पार्क था, और ये कराची का ज़ू भी ऐसे ही, और कराची का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कह लें, ज़ू कह लें, वो यही है। तो बस आहिस्ता आहिस्ता आगे चल चल के मैं आपको एक्सप्लोर करवाती जाती हूँ। कराची में ना जी बड़ा है, हाँ ये बड़ा है, और इस उस हिसाब से जिस तरह स्पेशली एक जगह होती है ना उनकी फैमिली के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, यहाँ पर हिरन है, हिरन नहीं है, ये लिखा हुआ है ना कसवारी, पता नहीं जो भी है, छोड़ो। कभी कभी ज़रूर आना चाहिए पेरेंट्स को ना बच्चों को ऐसी जगह पर लेकर आना। और ये देखें ये भी कोई है एनिमल्स। आगे चलते हैं, आगे चल के बहुत ज़्यादा आते जाएंगे तो साथ साथ मैं आप लोगों को बताती जाती हूँ। यहाँ ग्रीनरी भी काफ़ी अच्छी है, और ये देखें बहुत जबरदस्त जी, वो कांटे निकाल के कांटे नहीं खड़े कर लेता, सिपीस टाइप का जो होता है, पता नहीं क्या कहते हैं, वेलीफायर। अच्छा इंग्लिश में, अच्छा सही। अंदर भी बहुत सारे हैं, पर ये जो आपको दिख रहे हैं ना ये छोटे कद के जो नहीं हॉर्स होते, बोने बोने टाइप के नहीं होते, छोटे हाइट वाले है। इधर भी एक लोमड़ी, चलाक लोमड़ी है। अच्छा वो देखो पीछे छोटे हाइट वाला, बारी लग ली है ना, लोमड़ी कहते हैं चलाको मासी, चलाको मासी वाली लोमड़ी। वो तो कीचड़, आपकी फैमिली में भी कोई लोमड़ी है तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हमारी फैमिली में मैं क्यों बताऊं। यहाँ पर तो मंकी है, और मंकी नकल उतारता है इसलिए हम इसके पास नहीं आ रहे, मांगे जाएंगे मसरूफ था। अच्छा यहाँ पर भी काफ़ी सारे मंकी है, मैं यहाँ पर भी जाती हूँ। आज मैंने मेहंदी लगाई थी रात में, कलर लाल लाल आया, जो लाल मेहंदी नहीं होती, और रंग काफ़ी छोड़ती, मैं बर्तन धो रही थी कुछ भी कर रही थी ना, रंग काफ़ी ज़्यादा छोड़ रही थी ये मेहंदी। और ये रहा मंकी, मंकी क्या खा रहा है, मंकी बनाना खा रहा है, केला। ये रे वो आप लोगों को देखने आ गए हैं कि आप लोग क्या लाए, हाँ वो दोनों आए हैं आप लोगों को देखने। यहाँ पर बिल्ली भी है जो आपने कभी भी नहीं देखी होगी, मैं आपको फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर करवा रही हूँ। हाँ पूरी झाड़ियाँ हैं और ऐसे छाँव सी हो गई है यहाँ पर अंदर आते हुए, और बहुत प्यारा लग रहा है। मैं भी आगे की तरफ जा रही हूँ, और आगे यहाँ पर ज़्यादा मंकी ही हैं वो भी। अच्छा वाह वाह वाह, आगे दिखने वाली है, ज़बरदस्त मज़ा आएगा। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ एक ज़बरदस्ती चीज़ जो हम अक्सर चैनल्स वगैरह पे देखते हैं, मोबाइल्स पे देखते हैं, रियल में नहीं देखा। अभी यहाँ आएगा या नहीं आएगा, नहीं आएगा, उसने मुंह इधर कर लिया, उसने बोला मेरी सेल्फियाँ ले रहे हैं, बोला मेरी बिना परमिशन सेल्फी कैसे ले रहे हो, जिसके मुंह पे इंतजार करें अपना चेहरा यहाँ करे और वो फुल टाइम इग्नोर कर रहा है, बात सुनो, हेलो हमें देख लो प्रॉपर, ऐसे जैसे बड़े लोग नहीं होते मेच्योर, ऐसे ऐसे इग्नोर देख रहे हैं चोरी चोरी आंखों से, और जैसे ही कैमरा की करते उधर मुंह कर लेते हैं, इतने नखरे नहीं करोगे नहीं, आगे सामने मैंने कहा मैं जाने लगी हूँ तो अब आया, उस वो चीज दिख गई है ना, वो पकड़ लेते हैं। अच्छा यहाँ पर जितने भी एनिमल्स हैं ना उनको इतना खाना वगैरह नहीं दिया जाता, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि वो ना भूख का एहसास उनका महसूस हो रहा है कि वो भूखे हुए हैं। तो खैर अब क्या कह सकते हैं, पाकिस्तान में या हमारे मुल्क में ऐसा ही होता है कि इतनी केयर नहीं कर पाते।
पूरा ग्रीनरी ग्रीनरी और हम आगे आगे जा रहे हैं। हमारी जब मैं छोटा सा था और बेटा जब मैं छोटा सा था सब आया था, मैं इतने दिनों बाद आ रहा हूँ, 2-3 साल हाँ, 2-3 साल बाद। और यहाँ पर ना एक बहुत बड़ा एलिफेंट भी है, हाँ एलिफेंट की तरफ भी जाएंगे, पर वहाँ पर रश बहुत ज़्यादा होता है, तो खैर अभी हम जाकर देखते हैं कि धक्कम रेड डूस डूस होगी, तो देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं। हाँ उसको हमने बिस्किट खिलाया था और उसे कितना ज़्यादा थूक फेंका था ना भाई जी। तो अब हम लोग आ चुके हैं टाइगर के पास, आप लोगों को मैं टाइगर दिखाती हूँ, इतना खूबसूरत लग रहा है, जूम करती हूँ जी। ये बैठा हुआ मजे से खूबसूरत जानवर, और देखने में ऐसा लग रहा है जैसे नकली कोई स्टफ टॉय नहीं होता इस टाइप का लग रहा है, पर यह है कि बहुत प्यारा लगा, खूबसूरत है। और पहले जब मैं आई थी तो वैसे मुरझाया हुआ बीमार सा था, पर अब वाला जो है वो बहुत खूबसूरत लगा मुझे। पेड़ जो है वो बहुत प्यारे लग रहे हैं ऐसे पहनी हमारे, ये बहुत पुराने तरीन है, और इनके बाबा को थोड़ा सा गुस्सा इस बात पर आ रहा है कि मुस्तफा चल नहीं रहा और उसको ज़बरदस्ती घसीटना पड़ता है। हाँ जी क्या हुआ, इरिटेशन क्यों हो रही है? जल्दी जल्दी चलो यार, नमाज पढ़नी है ना असर की नमाज का, अभी अजान हो जाएगी तो इन्होंने नमाज पढ़नी है, और मुस्तफ़ा चल नहीं रहे थे इसलिए इनको थोड़ा सा हो रहा था कि मुस्तफ़ा तेज़ चले। जब कुछ इन्होंने जानवर जो है वो खुले भी छोड़े हुए हैं, लाइक जैसे ये वाला जानवर है ना, इन्होंने खुलम खुला छोड़ा हुआ है। कैसा लगा मेरा मजाक? यहाँ पर तो ट्रेन भी आ चुकी है और लोग ट्रेन में बैठ के यहाँ पर जा रहे हैं। हमने अभी यहाँ ट्रेन गुजरेगी तो हमने यहाँ से क्रॉस करना है और फिर हम उस साइड को जाएंगे। पीछे से आप लोगों को दिख रहा हो कैसे ट्रेन जा रही है ना, अच्छा लग रहा है। मसला ये कि संडे है और रश ज़्यादा है, वरना पार्क ज़बरदस्त है, जू ज़बरदस्त है, और बच्चों को ज़रूर लाएं आप लोग यहाँ पर साथ अपने, जाएंगी नए नए एनिमल्स दिखें। मोबाइलों में तो बच्चे बहुत चीज़ें देखते हैं। बताऊँ जी जी, मुझे लग रहा है कि पहले के मुकाबले में ना अब थोड़े जानवर ज़्यादा हैं और बेहतरी आई हुई है। हाँ वो देखो ना कितने सारे हिरन, हिरन इतने सारे, मैं पास जाके दिखाती हूँ। अच्छा पहले जब हम आए थे ना बहुत ज़्यादा बुरा हाल था, उसकी नस्बत अब जो है ना काफ़ी काफ़ी बेहतरी आ चुकी है इस पार्क में। तो अभी यहाँ पे हिरन काफ़ी ज़्यादा, वो भी दिखाते हैं आपको, ये देखिए सारे यहाँ पर हिरन हैं और वो सारे एक ही तरफ जमा होकर इंसानों को देख रहे हैं और इंसान हिरन को देख रहे हैं, हमने सामने एक दूसरे को देख रहे हैं। वाओ राबिया जी, अब हम जाने लगे एक जायंट जानवर के पास, बड़े जानवर। अच्छा मुझसे भी बड़ा क्या है, क्या गेस करो, गेस। ऊंट, डायनासोर, उससे भी बड़ा डायनासोर, मोटा गैंडा। मैंने जान के सारे नाम ले लिए, मुझे पता है हाथी। शाबाश, पर ये एलिफेंट हाउस लिखा हुआ है और यहाँ पर अंदर जाने का रास्ता यहाँ से अंदर जाएंगे और वहाँ से वापस बाहर आने का है। तो अब हम अंदर जाकर भी देख लेते हैं, यहाँ का रश बहुत ज़्यादा है और खैर चल के देखते हैं। अच्छा अंदर आने का टिकट इन्होंने 10 रुपये रखा हुआ है और बिल्कुल मैं सामने आ चुकी हूँ और यहाँ पर एक नहीं दो दो हैं। आप लोगों को दिखाऊँ काफ़ी ज़्यादा लोग और रश है ना, तो आगे जाने नहीं होगा, कोशिश करते आगे जाने की किसी ना किसी तरीके से। खैर उछल निकाले आगे चले, बहुत ज़्यादा बड़ा है, पर ये कि कैमरे में इतना ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा होगा आप लोगों को, बिल्कुल करीब आ चुका है, कुछ ना कुछ खाने को मांग रहे हैं हाथी और ये मुंह खाता है, थोड़ा डर भी लग रहा है और रश भी काफ़ी ज़्यादा है। इब्राहिम, इब्राहिम अभी चिप्स खिलाते हुए, ये चिप्स तो खा लिए और अब हमारे पास कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। इतना बहुत ही बड़ा है, बहुत बड़ा है साइज, आप लोगों को शायद फुटेज में कम लग रहा होगा, छोटा लग रहा होगा, पर मैं देख के थोड़ा सा परेशान कि अल्लाह ताला की कुदरत है कि कितनी बड़ी बड़ी मखलूक अल्लाह ताला ने बनाई है और हैरान कुम करने वाली है ना। और मैंने चिप्स खिलाए, मेरे हाथ चिकने चिकने हो गए। अब मैं देखती हूँ कि मेरे बैग में कोई टिश्यू पेपर हो तो मैं हाथ साफ करूँ, और लोग काफी ज्यादा आते हैं यहाँ पर। ऐसा करो जी, लोग एक जगह पे कहीं बैठो, सामने मस्जिद में नमाज पढ़ रहे। अच्छा यहाँ लेडीज की होगी नहीं? हाँ वो लिखा हुआ, औरतों की नमाज की जगह। चले आओ हम नमाज पढ़ने चलते, उसके बाद आपसे मिलते हैं। औरतों की नमाज की जगह है और वहाँ पर से वजू होना है, तो हम वजू करके फिर नमाज पढ़ते हैं। A few moments later. जी तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ ली है, और ज़िंदगी में जितनी भी मसरूफियात हो, जितना भी ज़रूरी काम हो, तो आप कोशिश करें कि सबसे पहले नमाज के लिए टाइम निकालें, और जो हम पर फ़र्ज़ भी है, और बाकी रूटीन के काम तो चलते ही रहेंगे। खैर अब हम आगे जा रहे हैं, देखते हैं और यहाँ पर क्या क्या है। बताऊँ जी, इतना बड़ा है ना कि आप सुबह आओ शाम में आप पूरा एक्सप्लोर कर सकते हो, आप एक डेढ़ घंटे में एक्सप्लोर नहीं कर सकते।
मुझे नहीं लगता सुबह से शाम में भी एक्सप्लोर हो सके, ये काफ़ी ज़्यादा एनिमल्स हैं। अगर आपने वाकई एक्सप्लोर करना है तो काफ़ी ज़्यादा 3-4 व्लॉग तो आपके कहीं नहीं जाएंगे। खैर आप लोग ज़रूर आइएगा यहाँ पर विज़िट करें, एक ना एक दफ़ा तो आना चाहिए फैमिली के साथ, बच्चों को तो ज़रूर लाएँ, बच्चों के लिए तफरीका और मज़ेदार जगह है। और एक और चीज़ मुझे दिख गई है, और मैं जैसे ही नया एनिमल्स या कोई भी जानवर वगैरह देखती हूँ एक और दिख गया है जी। तो ये आगे आगे जा रहे हैं और हम इनके पीछे पीछे, तो थोड़ा सा फोटो जिसकी बन जाए। जानवरों में भी एटीट्यूड आ गया, जहाँ कैमरा लेके जो वो आगे आगे जा रहे हैं। अरे सही जी, आगे आगे जी, वो एटीट्यूड को ज्यादा दिखा रहे हैं, हम भी उनका एटीट्यूड दिखा रहे हैं, आज हम नहीं बनाएंगे। हाँ जी, हम भी नहीं बना रहे। मस्त जोक मारा रे। अहमद कह रहे हैं हमने टाइगर देख लिया था, शेर नहीं देखा। लॉइन होता है वो इंग्लिश में, शेर टाइगर लॉइन मिक्स हो रहा है सब कुछ। अरे कहना क्या चाहते हो? यहाँ पर रात होती जा रही है और मच्छर भी आ जाएंगे। मच्छरों का डर लगता है रात में। मच्छरों की वजह से इतने मतलब कि हॉस्पिटल में रहना पड़ गया था, लगे एक छोटा मच्छर पर 3 दिन तक बच्चे को हॉस्पिटल में रहना पड़ा और इतनी टेंशन देखनी पड़ी। मच्छरों से बचे, मैं खासकर आप लोगों से भी कहूँगी, और मैं खुद भी बच्चों को मोजबिल वगैरह लगा कर लाई हूँ, इसीलिए मोजबिल वगैरह लगा कर लाई थी कि मच्छर ना काटे, पर खैर डर तो लगता है। पर मैं देख रही थी खाली मैदान ही है यहाँ पर, और सामने सूरज डूबता हुआ इतना अच्छा लग रहा है, कैप्चर क्यों नहीं हो रहा? ये भी मैं तुम्हें सिखाऊं राबिया? क्या जाहिर है हर चीज़ सिखा रहे, तो ये भी सिखा रहे। देखो आप क्लिक करो ना, लाइट की वजह से हो रहा है ये, देखो ये अब आया सूरज। फोकस नहीं कर रही मैं, बेसिकली मैंने फोकस नहीं किया, पर लग बहुत प्यारा रहा है, शाम ढल रही है और रात हो रही है, सूरज जा रहा है, चांद आ रहा है। वाह, प्राइज हमने पहले मंकी को भी खिला दिए, साथ में एलिफेंट को भी खिला दिए। मुसवा को टेंशन हो रही है कहीं मेरे सारे खिलाना दे प्राइज किस जानवरों को, तो मुसवा ने खुद खाने शुरू कर दिए। ये पता नहीं क्या है पर जो भी है जानवर है, मैं आपको सारे दिखा रही हूँ। बकरी नहीं है ये, कुछ और ही है। तुमको यहाँ का रश दिखाओ ना, तो काफ़ी ज़्यादा है और शाम होती जा रही है और ज़्यादा लोग आ रहे हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे से तोतू रखे हुए हैं ये सारे, और बेचने के लिए रखे हुए होंगे। अच्छे लग रहे हैं, बहुत प्यारे हैं। और यहाँ पर खाने का भी सेटअप काफ़ी अच्छा लगा हुआ था, पर हमारा दिल नहीं मान रहा। आप लोगों का अगर दिल माने आके देख लीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो खा लीजिएगा, पर हमारा दिल नहीं मान रहा यहाँ पर खाने का, क्योंकि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को कि म्यारी खाना होता ना, एक चीज़ की सफाई होती है, वो मुझे यहाँ नहीं लगी, तो इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम यहाँ नहीं खाएं। तो बच्चे ये दरख्त से इमली तोड़ रहे हैं और गोभी से इमली को मार रहे हैं, और ये इमली एक हाथ पे भी आ गई है मेरे, क्योंकि ये पॉपकॉर्न की और वो सामने दिख गया इन्हें, तो ये बस अब पॉपकॉर्न लेने जा रहे हैं। मुस्तफा आप तो इधर आ जाओ। और मुस्तफा की इतने पसंदीदा चीज़ जो है ना, सबसे पसंदीदार पॉपकॉर्न, ये ना इमली तोड़ रहे हैं यहाँ से जूतियों से। और ये देखो इब्राहिम ने एक मेरे हाथ में भी दी है, ये इमली। हाँ ये इमली, ये प्रॉपर, ये देखो वो नीचे गिरती थी तरह ना। अच्छा अच्छा, पाकिस्तान में बहुत सस्ती चीजें हो गई हैं। अच्छा बताओ क्यों? ये देखो ये 2500 रुपए का मिला है। अच्छा, हाँ, अच्छा हाँ, यहाँ पर है और सारी है, वहाँ पर भी है और खड्डों के अंदर भी है, बीच में भी है। हाँ ये देखो, ये रहे घर बनाया हुआ है, आप समझे ना, ऐसे देखने में लग रहा है जैसे पत्थर हो, पर पत्थर नहीं है, ये टर्टल है। इनके इनके ना वो शेल होते हैं ना, वो सख्त होते हैं, सख्त होते हैं है ना, याद है सीनी में बिल्कुल इतना सा दिखाता ना। चले वो इंतजार में मुंह बना के खड़े हैं। क्या बात है, बात सुने, क्या बात है, आपने क्यों मुंह बनाया हुआ? देखो आप मामा बने हुए और मैं आज बाबा बनी हुई हूँ। व्लॉगिंग का एक फायदा ये है कि आपको बच्चे नहीं संभालने पड़ते, बच्चे संभालने के लिए आपने हस्बैंड को साथ लगाया होता है। बच्चे कब से जिद करे लॉइन देखे बगैर नहीं जाएंगे, और मैं भी तंग हो रही थी, ये भी तंग हो रहे हैं, घर चले क्योंकि थोड़ी देर में बस मगरिब हो जानी है तो अंधेरा हो जाना है। बच्चे कह रहे नहीं लॉइन देख के जाएंगे, वो जो बालों वाला नहीं होता वो वाला देखना है। टाइगर देख लिया जिसपे लाइनें थी, अब लॉइन देखना है। अच्छा यहाँ पर बहुत ही प्यारे बच्चों के स्लाइड वाले झूले भी हैं। सारे पॉपकॉर्न नीचे गिरा दिए थे, ठुड्डा लग गया था, तो अब हम ये किसी को खिला देंगे। इधर लाइन, अच्छा हम ये आ चुके हैं बब्बर शेर के पास, पर यहाँ पर अंधेरा इतना है कि आपको दिखाई नहीं देगा, नहीं दिख रहा आप लोग। ज्यादा लोग आ चुके थे ना, तो वो गुस्से में आ गया और ऐसे ऐसे तेज तेज राउंड लगा रहे लोगों को देख के, उसको ये लग रहा था कि इतने मजेदार खाना मेरा सामने रखा हुआ और मुझे जंगले में बंद किया हुआ है, मैं तोड़ूं और इनको खा लूं। उसको ये लग रहा था सामने इतने मजेदार चिकन और चिकन के चूचू भी हैं। अच्छा वो व्हाइट लॉइन भी रखा हुआ है, रखा हुआ नहीं है, सो रहे
अच्छा ये वाइट है और ये सो रहा है, अभी मैं दिखाती हूँ आपको जूम करके। ये देखें सो रहा है, इसको नींद आ रही है ना, वही जूम करके दिखाएं तो ये रहा जी, तो वो सो रहा है, अब हम भी घर चलते हैं जी। तो जितनी कोशिश हो सकी थी मेरी एक्सप्लोर करने की मैंने आप लोगों को दिखाया, और बस खुद भी थक गए हैं काफ़ी देर से, मुस्तफ़ा से चला भी नहीं जा रहा, बार बार कह रहा गोदी ले लो, और उसको गोद में उठा के चलना और मुश्किल हो गया था। और बस ये कि अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी और मिलूँगी कल नए व्लॉग के साथ। पर आप लोगों ने करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर सब्सक्राइब नहीं किया, और प्रेस द बेल आइकन। मुझे क्या हुआ वहाँ पर ना, एक बंदा देख के मुझे चल रहा था पीछे के, ये लाइक करो शेयर करो कर रही हैं, तो सामने गटर था, ठुड्डा खा के मुँह केवल गिर गया। भाई आगे देखो, तो इसीलिए कहते हैं अपने काम से काम रखो वरना कुछ भी हो सकता है। चलो ठीक है, मुझे इजाजत है, बाद में मिलूंगी आप लोगों से नए व्लॉग में, कल मिलूंगी नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। करीब आ चुके हैं।